तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जसवंत चौधरी और आप देख रहे हैं जसनाथ क्लासेस। तो आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे और आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। शायद ही कई स्टूडेंट है जो जानकारी के अभाव में पिसड़ जाते हैं। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा और आपने कोई भी हमारे चैनल का वीडियो नहीं देखा है लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही आपके लिए काम का है। अब मैं कई क्वेश्चन करता हूं, आपको उन क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दूंगा। पहला क्वेश्चन कि आप बीएससी क्यों करते हैं, उसका आपको आंसर देना होगा। सेकंड, आप बीएससी मैथमेटिक्स से क्यों करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि आपके बीएससी में मैथमेटिक्स की बुक कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन, आपके लिए मैथमेटिक्स की बुक है उसमें से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कितनी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऐसी बुक है जिसमें से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगला क्वेश्चन कि आप की कौन सी बुक है वो सेकंड ग्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, आपकी कौन सी बुक फर्स्ट ग्रेड में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपकी कौन सी बुक है जो जिसमें से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि आप सेकंड ग्रेड का पेपर देते हो तो उसमें कितने फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि आपके सेकंड ग्रेड में कितने पोस्टों की भर्ती होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि आपके सेकंड ग्रेड की मेरिट कितनी रहती है और कम रहने का क्या कारण है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। वीडियो बड़ा हो तो माफ कीजिएगा लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, एक मेरा मित्र था जो तैयारी करता था, उसका मतलब वो 12th करने के 5 साल बाद में लोको पायलट की तैयारी करता है और रेलवे में उसकी नौकरी लग जाती है। उससे पहले 1 साल पहले उसने बीएचटीसी शुरू की। जब रेलवे में उसकी नौकरी लगती है तो उसका बीएचटीसी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है और वो कॉलेज में सबसे टॉप पर रहता है। तो बाद में वही मेरा मित्र बाद में पछताता है कि मैं यदि बीएचटीसी 12th के बाद मेरे को पता चल जाता कि बीएचटीसी 2 साल की होती है और उससे सीधा 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं, यदि मैं वो कर लेता तो आज मैं 3rd ग्रेड से कहीं 1st ग्रेड के ऊपर पहुंच जाता, तो मेरे को रेलवे में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, वो नौकरी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उसका सपना था आरएस बनना लेकिन उसको पता नहीं था। अतः आप भी कोई जानकारी के अभाव में किसी भी कोर्स को मत सुनिएगा, क्योंकि गाँव में परंपरा होती है कि महिलाएं ज्यादातर ऐसे कहती है कि आपके काके का या आपके भाई का वो लड़का क्या करता है, इस प्रकार ट्यूशन करती रहती है कि वो तो बीएससी कर रहा है, अरे वाह मैं भी मेरे बेटे को बीएससी करवाऊंगी। ये उनकी सुन के बात है, आप बीएससी कोर्स को मत लीजिएगा। यदि वास्तव में आप बीएससी करते हो तो आपको 12th के बाद पता होना जरूरी है कि आगे बीएससी करने के बाद मेरे को करना क्या है। दोस्तों, आज का युग ऐसा ही है, जब अंग्रेजों का भारत पे शासन हुआ था वो ऐसी ही शिक्षा नीति भारत के ऊपर सौंप के गए थे कि भारत की शिक्षा नीति से एक लिपिक बन सकता है लेखक नहीं, भारत की शिक्षा नीति से एक इंजीनियर बन सकता है साइंटिस्ट नहीं। क्योंकि शिक्षा नीति ऐसी है, जब राज्य शिक्षा नहीं दे पाया तब आपको लोकतंत्र में काबिल बनाने के लिए जो जिम्मा उठाना पड़ा वो प्राइवेट क्षेत्र को, प्राइवेट कोचिंग को, प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट कॉलेजों को, क्योंकि राज्य शिक्षा नहीं दे पाया, टाइम पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाया, तब हमारे को आपको पढ़ाना पड़ा। क्योंकि एक 22 साल का मार्क जकरबर्ग जो केवल 12th पास है वो इस दुनिया को एक फेसबुक के अंदर बंद कर सकता है, तो हमारे युवा क्यों नहीं करते। क्योंकि हमारे युवा केवल एक समाज में केंद्रित रहते हैं, वो समाज से बाहर की कोई भी क्षेत्र में नहीं सोचते हैं। तो आप भी दोस्तों, इस दुनिया में यदि समाज के बारे में सोचना जरूरी है, समाज के बारे में, लेकिन समाज से ऊपर उठ के नहीं देखोगे तो इस दुनिया में आप आओगे और जाओगे, कुछ नया करके नहीं जाओगे। लेकिन आप समाज से ऊपर उठकर किसी और मुद्दे पर और अपने और लक्ष्य के ऊपर देखिएगा, क्योंकि जो लक्ष्य आपका समाज के हटकर होता है उसका आपका समाज कभी भी आदर नहीं करता है। क्योंकि समाज को पता है ये नहीं कर पाएगा, आपके समाज के लोग आलोचना करते हैं,
तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, मेरे पर विश्वास रखिएगा, मैं आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की पूरी तैयारी करवाऊंगा। और आप इसी के साथ साथ इस वीडियो में तो बहुत सारी आपको जानकारी प्राप्त होगी ही होगी, और मैं ये वादा करता हूँ आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आप अपने जो भी साथी है उनको चैनल से जोड़िएगा और आप भी लगातार वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप बाद में कहोगे कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जीवन के हर कड़ी पर आपका टाइम फिक्स है कि इस टाइम पर आपको खेलना है, इस टाइम पर आपको कुछ करने के लिए है, ये टाइम आपका पैसे कमाने का है, ये टाइम आपके लाइफ जीने का है, ये टाइम आपका बुढ़ापे का है, ये टाइम आपका समाज की सेवा का है। तो लाइफ का हर समय अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, तो आप टाइम निकल गया तो बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। तो बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। आपने बीएससी की है, मैं बीएससी मैथमेटिक्स की बात करूंगा, क्योंकि आगे मेरे को आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ानी है। अब मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से धीरे धीरे मतलब संबंध टूटता जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा था मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के जैन व्यास यूनिवर्सिटी के पूरे प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, और मैंने लगभग 100 के आसपास वीडियो करके आपको पूरे करवा दिए। लेकिन अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी कभार पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब मेरा पूरा फोकस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर रहेगा, और आपको इतना मैं काबिल बना दूंगा कि आप भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पार कर सके और अपने पिता के सपने को साकार कर सके। तो साथियों, धीरे धीरे हमारे मैं जैसे कि मारवाड़ का हूँ, बाड़मेर जिले का हूँ, तो मेरी लैंग्वेज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर मारवाड़ी ज़्यादा बोली जाती है। वैसे तो जोधपुर केंद्र है मारवाड़ी का, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, तो धीरे धीरे कोई मारवाड़ी के शब्द आए तो भी माफ करना। अब बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में मैथमेटिक्स की पहला क्वेश्चन, बुक्स कितनी होती है आपके? तो मैं बता दूं, बीएससी के तीनों भागों में, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर में 16 बुक होती है, अर्थात टोटल आपकी 18 बुक होती है। बीएससी फर्स्ट ईयर में 16 बुक्स होती है, बीएससी सेकंड ईयर में 16 बुक्स होती है, बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स की 16 बुक होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपका सपना है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, तो आप मैथमेटिक्स की बुक बाजार से खरीदिए। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज से लेकर आपको कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिलती है और एक साल के बाद आपको वापस जमा करवानी पड़ती है, तो आप बुक्स वहां से न लेकें, बाजार से लें, क्योंकि आपको भविष्य में कुछ करना है तभी आपने बीएससी को सुना, नहीं तो आप दूसरा कोई बीए भी कर लेते। आपको बीएससी के करने का मतलब 90% स्टूडेंट जो बीएससी करते हैं उनका अगला सपना होता है कि मैं टीचिंग लेवल में जाऊं, मैं एमएससी करूं, मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, मैं कॉलेज लेक्चरर बनूं। तब आपने बीएससी की है तो आपकी बुक्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर की आपके पास रखिए। अब अगला बिंदु मैं ये भी बता देता हूँ कि क्लास 12th का सिलेबस आता है वो आपका सेकंड ग्रेड में ज्यादा आता है, लेकिन बीएससी का कम आता है। लेकिन जब क्लास 12th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछे जाते हैं, वो आपको आईआईटी लेवल के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन जब बीएससी का कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन सीधा बुक्स में से आता है, और आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो, और मेरिट भी इतनी नहीं रहती कि आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितनी मेरिट रहती है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, मैं आपको जैन व्यास यूनिवर्सिटी जिसको बेस पे लेके, उसको आधार पे लेके आपको सुनूंगा, उसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी या एमडीएस, एमजीएस, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो इस पे ध्यान दे, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम भी होता है, बुक्स इधर उधर होती है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैन व्यास यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर में कुल 18 बुक्स है, उसमें से आपको हमेशा हमेशा जेपीएस की बुक पढ़नी है, जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएस की बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी गोप्रो की बुक में शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जेपीएस की बुक में विस्तार से और बड़े सरल तरीके से लिखा गया है। लेकिन एक बुक है आपकी बीएससी फाइनल ईयर की, वो बुक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके फर्स्ट ग्रेड में इसका क्वेश्चन आता है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये बुक आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलती है, ये इंग्लिश मीडियम में मिलती है, और ये पीपी प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन की बुक्स मिलती है, इंग्लिश में मिलती है। बाकी आपको 17 बुक्स हमेशा हिंदी मीडियम मिलती है, और आप जेपीएस की बुक खरीदे तो आपकी कुल 18 बुक्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर में 6, बीएससी सेकंड ईयर में 6, बीएससी थर्ड ईयर में 6। हम बात करते हैं जैन व्यास यूनिवर्सिटी की, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 6 बुक्स है, एक है बीज गणित, एक है द्विम निर्देशांक ज्यामिति, एक है समाकलन गणित सेकंड, एक अवकलन गणित सेकंड, एक सदिश कलन, एक त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद में जो बीज गणित और द्विम निर्देशांक ज्यामिति है, ये फर्स्ट पेपर बनता है
और समाकलन गणित सेकंड और अवकलन गणित सेकंड ये JNU का सेकंड पेपर बनता है और सदिश कलन व त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति ये थर्ड पेपर बनता है। और अब बात करते हैं BSc सेकंड ईयर की, तो BSc सेकंड ईयर में भी सब बुक्स है संख्यात्मक विश्लेषण, इष्टतमीकरण सिद्धांत, अवकलन समीकरण, आंशिक अवकल इक्वेशन, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान। तो संख्यात्मक विश्लेषण और इष्टतमीकरण सिद्धांत है ये फर्स्ट पेपर बनता है, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण ये सेकंड पेपर बनता है, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान ये थर्ड पेपर बनता है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर में हर पेपर में दो दो बुक्स है, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें केवल एक बुक्स है अमूर्त बीजगणित, सेकंड पेपर में वापस तीन बुक्स आ जाती है सम्मिश्र विश्लेषण, वास्तविक विश्लेषण, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और थर्ड पेपर में वापस दो बुक्स आ जाती है दृढ़ पिंड गति की और द्रव स्थिति विज्ञान। तो ये थी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर की 18 बुक्स है, उसमें से बीएससी थर्ड ईयर के पेपर में एक फर्स्ट पेपर में एक बुक्स और सेकंड में तीन बुक्स और थर्ड में दो बुक्स, बाकी में दो दो बुक्स होती है। और बुक्स के नाम मैंने बता दिए, ये बुक्स आप हमेशा JPS जयपुर पब्लिशिंग हाउस की खरीदें, और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बुक है ये प्रगति प्रकाशन PP इसकी खरीदें जो इंग्लिश मीडियम में आती है, बहुत ईजी है। तो ये थी आपकी बुक्स के नाम, पहले क्वेश्चन का जवाब। तो उसके बाद में दोस्तों जो बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे सकते हो, और आप जैम IIT से जो एग्जाम होता है MSc का, वो MSc का दे के एग्जाम यदि आप उसमें सिलेक्टेड हो जाते हो, उसके बाद आप प्राइवेट विद्यालय में यदि आपके पास योग्यता है, आपके पास अनुभव है, तो भी आप 1,00,000 तक मतलब आपकी सैलरी होगी, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। उस वो सब आपके अनुभव पर आधारित होता है कि आप किस प्रकार पढ़ाते हो, आपको आपके पास पढ़ाने की कला सबसे जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड की, पिछले पेपर की, जब सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी वो आई थी 9,000 की, और उसमें से जो पोस्ट थी सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स के लिए वो थी non-TSP अर्थात अपन सब आते हैं, उसकी 799 पदों की थी। TSP कुछ जिले जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनकी थी 71। जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि BSc करते हो आप, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट BSc ज्यादा करते थे कि हम RS बनेंगे, लेकिन अब RS जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसमें से मैथमेटिक्स का पार्ट हटा दिया गया है। तो आप स्टूडेंट RS की यदि तैयारी करते हैं तो 90% स्टूडेंट आज के टाइम बैचलर ऑफ आर्ट्स BA करते हैं, ना कि बैचलर ऑफ साइंस BSc। तो आपको RS की तैयारी करनी है तो आप पहले से ही क्लास 12th के बाद BA करके आराम से आप, क्योंकि RS में GK का पार्ट ज्यादा होता है, या आपको साइंस पढ़नी पड़ती है, हाई लेवल की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वो आपके RS में नहीं आती है, इस कारण आप BA करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक और पहले मैंने क्वेश्चन बोला था कि क्या BA का स्टूडेंट सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर दे सकता है, हाँ BA का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स से BA होती है, आप मैथमेटिक्स से BA कर सकते हो, उसमें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो आपको एक आपके लिए जो सरलतम सब्जेक्ट मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स मिलेगी, उसके अलावा GK के सब्जेक्ट मिलेंगे, उसे आप मैथमेटिक्स से BA कर लीजिए, उसके बाद में आप सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद में अब बात करता हूँ BSTC की, BSTC बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। BSTC का स्टूडेंट के लिए आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वो केवल थर्ड ग्रेड तक ही सीमित है, उसके बाद में रीट होती है। रीट में 30% ग्रेजुएशन जो आप BSc या BA करते हो उसका आता है, 70% पेपर होता है, तो अर्थात रीट में भी आपका BSc का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप थर्ड ग्रेड को काट दीजिए, BSc है वो केवल आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए है। आपको सेकंड ग्रेड का पेपर देना है तो आपको BSc करनी पड़ेगी या BA करनी पड़ेगी, उसके बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd आपकी कंप्लीट होना जरूरी है, या BEd का लास्ट साल है तो आप सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकते हो। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हो तो आपके BEd और BSc वो तो कंप्लीट होने ही है, उसके साथ मास्टर ऑफ साइंस यदि आप साइंस के स्टूडेंट है तो MSc, और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है मास्टर ऑफ आर्ट्स जो MA वो करनी जरूरी है। तो आप BSc के बाद BEd के बाद MSc करोगे तो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे। तो जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था वो 9,000 पोस्टों के लिए हुआ था, और उसमें कोई भी स्टूडेंट जिसकी 18 से 40 की उम्र है वो इस पेपर को दे सकता है,
उसमें नॉन टीएसपी पोस्ट आई थी 799 जो हमारे लिए, और टीएसपी को जिला आरक्षण है 71 पोस्ट आई थी, और वो 500 नंबर का पेपर होता है जिसमें से पेपर को दो भागों में बांटा जाता है। वो मैंने पिछले एक वीडियो में पूरा सिलेबस बताया था सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें से 200 क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर में जीके से रिलेटेड, और 300 नंबर का इसमें जीके साइंस रीजनिंग सब आते हैं, और 300 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का, इसमें 3 घंटे का टाइम लगता है, और इसमें 2 घंटे का अर्थात 500 नंबर का आपका पेपर होता है। तो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था जिसका अभी ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन रिजल्ट आ गया जिसमें 799 पद थे, लेकिन फॉर्म केवल क्योंकि बीएससी करते हैं, बीएससी बहुत ही टफ होती है, बैचलर ऑफ साइंस, आधे स्टूडेंट बीएससी में फेल हो जाते हैं, वो मध्य में छोड़ देते हैं, तो आधे बीएससी के बाद बीएड नहीं कर पाते हैं, आधे बीएड करने के बाद सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कम करते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं, तो इस कारण स्टूडेंट बीएससी और बीएड किए हुए कम मिलते हैं। इस कारण केवल 47,967 अर्थात 48,000 फॉर्म भरे गए, केवल सेकंड ग्रेड में 48,000 फॉर्म भरे गए, और पोस्ट की 799,000 में से। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट होते हैं सामाजिक विज्ञान, उसमें 2 से 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट आर्ट्स के बीए किए हुए बहुत मिलते हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप बीएससी के साथ साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बाद में मेरिट बहुत ही कम रहती है और फॉर्म भी बहुत कम भरते हैं। 47,967 और 700 के आसपास पोस्ट है, लेकिन आप वही तुलना करते हो लैब असिस्टेंट की, तो उसमें पोस्ट भी होती है इतनी, 1800 पोस्ट थी, लेकिन उसमें ओबीसी और जनरल की 300 के आसपास पोस्ट थी, बाकी इधर उधर बंट गई क्योंकि फौजियों को कोटा भी ज्यादा दिया गया, बहुत ही कम पोस्ट थी, उसमें 4-5 लाख फॉर्म भरे गए, लेकिन आपकी 700 पोस्ट पर आपको केवल 48,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसमें भी बीएससी के टॉपिक बहुत ही स्टूडेंट के कम तैयार होते हैं, कारण उनको ये पता नहीं होता है कि पेपर किस प्रकार बनता है। तो मैं आपको बता दूं बीएससी के क्वेश्चन एकदम सीधे आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो 12th और 10th के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी आते हैं, आईआईटी लेवल के आते हैं। तो आप बीएससी के पार्ट को अच्छे से करिए, और मैं हूँ आपके साथ और आप जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं कट ऑफ की, इसमें जनरल की कट ऑफ 242.61 अर्थात 50% से भी कम रही थी, सभी कैटेगरी की जो मेरिट रही थी वो 50% से कम रही थी, 500 का पेपर हुआ था, तो जनरल की 242.61, ओबीसी की 237.86, एससी की 187.80, एसटी की 175.45 अर्थात 50% से भी कम मेरिट रही थी। कारण था फॉर्म भी कम भरे गए और पोस्ट भी ज्यादा थी, और कारण था कि स्टूडेंट वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जिस जगह उनको पहुंचना होता है। तो ये थी सेकंड ग्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आपकी कौन सी बुक है वो आप सेकंड ग्रेड में आपके काम आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, तो सुनिए आगे। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं। पहली बात तो बीएससी की 18 बुक्स है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो बुक्स सर कौन सी है, तो वो बुक्स है बीज गणित और अमूर्त बीज गणित, और सबसे इम्पोर्टेंट माने तो बीएससी फाइनल ईयर की ये बुक्स है अमूर्त बीज गणित, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं अमूर्त बीज गणित बीएससी फाइनल ईयर की बुक्स है, और एक फर्स्ट ईयर की बुक्स है बीएससी फर्स्ट ईयर, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में चाहे सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो या अदर कोई एग्जाम हो, तो सबसे ज्यादा बीज गणित और अमूर्त बीज गणित की दो बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में सर सबसे ज्यादा किस ईयर की बुक इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा बुक्स है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उसमें से ही कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बीएससी फाइनल ईयर इतना महत्व का नहीं रहता क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो केवल एक बुक से आते हैं अमूर्त बीज गणित में, बाकी दो बुक्स सम्मिश्र विश्लेषण और वास्तविक विश्लेषण और थोड़ा से क्वेश्चन कहें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से आते हैं, दो बुक्स बीएससी फाइनल ईयर की, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, और इधर बुक का नाम लिखा है सेकंड ग्रेड का, और दोनों की कंपेयर किया गया है। तो पहली बात तो आप याद रखें बीएससी फाइनल ईयर की दो बुक्स है, एक है द्रव स्थिति विज्ञान और एक है दृढ़ पिंड गति की, ये दोनों बुक्स है, इसमें से न तो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आता है और न ही फर्स्ट ग्रेड में आता है, अर्थात आपकी 18 में से 16 बुक्स ऐसी है जिसमें से आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं। दो बुक्स है द्रव स्थिति विज्ञान दृढ़ पिंड गति की, इनके क्वेश्चन आते हैं केवल 12th लेवल के आते हैं, इसलिए ये दो बुक्स आप छोड़ सकते हो। आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बनना है तो 16 बुक्स आपको पढ़नी होगी।
उसमें बात करते हैं अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, और बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स कौन कौन सी आती है। तो इधर बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आपकी 5 बुक्स, एक सदिश कलन, एक द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, एक अवकल गणित सेकंड, एक समाकलन गणित सेकंड, एक बीज गणित जो देकार्ते का सिन्हा नियम में आप अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं। जो देकार्ते का सिन्हा नियम, बीज गणित जो आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं, अर्थात ये 5 बुक्स है जिसमें से क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आते हैं। अब एक ही बुक्स शेष रही है जो बीएससी फर्स्ट ईयर की, वो है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है उसका क्वेश्चन न तो सेकंड ग्रेड में आता है न फर्स्ट ग्रेड में आता है, लेकिन बाकी 5 बुक्स है उसके क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, और सेकंड ईयर की सभी 6 बुक्स में से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर की एक बुक्स है 2D या द्विविम निर्देशांक ज्यामिति जिसमें क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता, लेकिन 12th लेवल में परवलय, अति परवलय और दीर्घ वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो 12th लेवल में सही से समझाया नहीं गया है, इसलिए आपको द्विविम निर्देशांक ज्यामिति बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो केवल आपको 12th बेस के आधार पर पढ़नी पड़ेगी, उसमें से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की आपको सभी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन द्रव स्थिति विज्ञान और दृढ़ पिंड गति की नहीं पढ़नी पड़ेगी जो बीएससी थर्ड ईयर की। अब बीएससी थर्ड ईयर की ये बुक्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ना ही सेकंड ग्रेड में दी गई है और ना ही फर्स्ट ग्रेड में उसको सिलेबस में दिया गया है, लेकिन वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एमएससी का पार्ट्स है, जो एमएससी के क्वेश्चन आते हैं उसमें से लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी गई है। तो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट ग्रेड में आएगी, सेकंड ग्रेड में नहीं आएगी, और फर्स्ट ग्रेड में भी बीएससी में नहीं आएगी, बीएससी के पार्ट्स में, वो एमएससी के पार्ट्स में आएगी। तो ये 2 बुक्स काम की नहीं है, 16 बुक्स आपके काम की है। इसमें से जो सभी कॉमन बुक्स है, वो कॉमन बुक्स कौन कौन सी बुक्स है जो दोनों पेपरों में आती है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बीएससी थर्ड ईयर में एक बुक्स है अमूर्त बीज गणित, जो फर्स्ट ग्रेड में भी आती है और सेकंड ग्रेड में भी आती है, ओनली मात्र एक बुक है जो दोनों पेपरों में आती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में सदिश कलन, अवकलन गणित सेकंड, समाकलन गणित सेकंड, अवकलन गणित सेकंड, समाकलन गणित सेकंड और सदिश कलन, ये 3 बुक्स है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आती है। और सेकंड ईयर की भी जो बुक्स है स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान और अवकल इक्वेशन, जो अवकल इक्वेशन, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, ये 3 बुक्स दोनों में से आती है, अतः इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आएगा और सेकंड ग्रेड में भी आएगा। अब बात करता हूँ मैं अलग अलग, तो सेकंड ग्रेड में जो आप तैयारी करते हो, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो सेकंड ईयर की स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, अवकल इक्वेशन, आंशिक अवकल इक्वेशन, ये 4 बुक्स आएगी। फर्स्ट ग्रेड में संख्यात्मक विश्लेषण और इष्ट समीकरण के सिद्धांत की 2 बुक्स है, उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, वो आपके सेकंड ग्रेड में आएगा। और फर्स्ट ईयर की सदिश कलन, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, अवकल गणित सेकंड, समाकलन गणित सेकंड, बीज गणित, और वो आप द्विविम निर्देशांक ज्यामिति भी शामिल कर सकते हो, सब बुक शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो 12th में आता है क्वेश्चन, 12th पार्ट्स में से क्वेश्चन आता है। और जो बीएससी थर्ड ईयर की है उसमें से 2 बुक्स है, मूर्त बीज गणित और सम्मिश्र विश्लेषण और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये 3 बुक्स है जो आपकी फर्स्ट ग्रेड में आती है बीएससी थर्ड ईयर की। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड की बीएससी थर्ड ईयर में से केवल 2 बुक्स है, वास्तविक विश्लेषण और अमूर्त बीज गणित, ये दोनों आती है, बाकी वाली 4 बुक्स जो सेकंड ग्रेड में आपके नहीं आती है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में अवकल गणित सेकंड और समाकलन गणित सेकंड और सदिश कलन, ये 3 बुक्स आती है, और बीएससी सेकंड ईयर में अवकल इक्वेशन आती है, आंशिक अवकल इक्वेशन नहीं, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, इष्ट समीकरण सिद्धांत और संख्यात्मक विश्लेषण, ये 5 बुक्स जो बीएससी सेकंड ईयर की आपके सेकंड ग्रेड पेपर में आती है। तो ये था बुक्स का विश्लेषण, आपको 2 बुक्स छोड़नी है, 18 में से 16 पढ़नी है। तो दोस्तों ये था आपका, मैंने पहले कहा था कि आप ऐसे लोगों से हमेशा संबंध बनाए जो एजुकेटेड हो, जो उनसे सपने रखते हैं, सपने उनसे रखने से कुछ नहीं होता है, जो वास्तव में कुछ आपको बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको कहानी बताऊं कि एक मेढक था जो एक कुएं में पड़ा था, उसके पास में सागर से एक मेढक आकर उस कुएं में गिरा, तो अंदर के मेढक ने कहा कि भैया आप कहाँ से आए हैं, तो मैं सागर से आया हूँ, कि सागर क्या होता है, तो बाहर के मेढक ने कहा सागर एक पानी का बड़ा स्रोत होता है, तो उसने कहा कितना बड़ा, इतना बड़ा या इतना बड़ा, तो जो बाहर का मेढक आ उसने कहा था कि बहुत बड़ा होता है, तो अंदर के मेढक ने एक सलांग लगाई थोड़ी सी और कहा इतना बड़ा,
तो बाहर के मेडिक ने कहा नहीं इससे भी बड़ा। तो उसके बाद में उसने बहुत लंबी सलांग लगाई और उसने कहा बाहर के मेडिक को कि इतना बड़ा, तो बाहर के मेडिक ने कहा नहीं, तो उसने कहा कुएं जितना बड़ा कि नहीं कुएं से भी बड़ा। तो अंदर के मेडिक ने कहा नहीं तू भैया झूठ बोल रहा है, कुएं से बड़ा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस कुएं में मरे, मेरे दादाजी भी इस कुएं में मरे और मैं भी इस कुएं में मरूंगा, और मेरे पिता कह के गए थे कि इस कुएं से बड़ा पानी का स्रोत नहीं होता है। अर्थात ये कहानी आपको सीख देती है कि पानी का स्रोत तो बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने केवल कुएं तक इकाई देखा, वो कभी बाहर गए नहीं, तो कुएं से ज्यादा उनको जानकारी कैसे होगी। अर्थात आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको जानकारी दे रहा है वो आपके बराबर का है, तो आपका विकास होना तय नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति से हमेशा संबंध बनाइए जो आपको हर प्रकार की जानकारी देते हैं या किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ाने में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो कुएं का जो अंदर का पानी है वो आपको शिक्षा देता है और कुएं के बाहर का पानी आपको ज्ञान देता है। तो आप हमेशा ऊंचे सपने रखिए, समाज से हटके चलिए, समाज के साथ रहिए, सदा खुश रहिए, उच्चा रहिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए और जसदार क्लासेज के साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना साथी जसवंत चौधरी।